नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ शगुफा सैयदा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इन 5 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो साफ पता चल रहा है कि मोदी कितने घबराए हुए हैं। वहीं उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मोदी पर जमकर हमला भी बोला। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी खामोश रहे, प्रेस की बातों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी ओर से जवाब अमित शाह को बोलने के लिए दिया था। ये पूरा नौटंकी कल चला और लोगों ने भी खूब इसके मज़े लिए। इन 5 साल के कार्यकाल में मोदी ने क्या किया और उनके विकास, किसान, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों से हटकर मोदी ने एक भी जवाब नहीं दिया और अपनी तरफ से अमित शाह को आगे बोलने का हक दिया। इससे तो साफ पता चलता है कि मोदी की चोरी पकड़ी गई और लोगों ने जमकर इसका मजाक भी उड़ाया। इसी तरह के कई आपको कई बातें बताऊंगी कि फेसबुक पे किस तरह से लोग मोदी की जमकर मजाक उड़ा रहे हैं, जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं कि उन्होंने देश को एक खिलवाड़ बना दिया है और किस तरह से उन्होंने देश की जनता को धोखा दिया है और उन्होंने अमीरों को सपोर्ट किया है और अमीरों के साथ मिलकर देश को लूटा है। आपको बता दें कि फेसबुक पर कई लोगों ने मोदी का जमकर विरोध किया है और उनके इस नौटंकी को खूब आड़े हाथ लिया है। वहीं आपको बताती हूँ कि फेसबुक पर प्रदीप कुमार ने लिखा है, ऐसी चौकीदारी का क्या कि आप मालिकों से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। आशीष सिंह वैट्स लिखते हैं, डेब्यू मैच में पसीना आता ही है, वैसे भी क्लॉडी चा ये देख गए थे कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता क्या है। इस तरह के तमाम लोग अपनी राय फेसबुक के जरिए लिख रहे हैं और मोदी पर निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने क्या देश का हाल बना दिया है। वो जनता से बचते फिर रहे हैं। इन 5 सालों में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने अमित शाह को आगे बढ़ाया जवाब देने के लिए। जनता ने मोदी को सरकार चुना था, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था और मोदी ने इस तरह से अपना पलराज साफ करते हुए अमित शाह को आगे बढ़ाया और उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। संजय कुमार सिंह लिखते हैं कि प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर टेलीग्राफ में खबर ने लिखा है कि जब बोलोगे तब खाली जगह भरी जाएगी। दूसरी वाली खाली जगह विज्ञापन की है, काले घेरे के अंदर के विज्ञापन को मैंने हटा दिया है। आगे ऋतुराज वसंत ने भी लिखा है, कल से बेसब्री से इंतजार था, सबके मारक तो नीचे खाली कॉलम है। मोदी ने हमेशा इंटरव्यू दिया है, जिसको हमेशा लोगों ने बताया कि फिक्स इंटरव्यू देते हैं और वो हमेशा एक लिस्ट के साथ आते हैं, लिस्ट तैयारी करके आते हैं, उनके ही सवाल होते हैं और उनके ही जवाब होते हैं। और इस बार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो साबित कर दिया है कि वो मीडिया की जवाबों से किस तरह से बचे हैं। उन्होंने देश की जनता को धोखा दिया है और उनके ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू से अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस था और मोदी उसमें कोई जवाब नहीं दे पाए। पीयूष बाबले ने लिखा है, 1.5 महीने मैराथन चुनाव प्रचार करने के बावजूद प्रधानमंत्री नहीं थके, उसी ऊर्जा से पार्टी सेवा में जुटे हैं। आगे जोगिंदर चौहान ने लिखा है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी की खामोशी देखकर मनमोहन जी के भी रिमोट बोलने वाले भक्तों को अब गौमूत्र में डूब कर मर जाना चाहिए। आगे रानी राजेश ने लिखा है, चेहरे पर हवाइयां उड़ी है, जैसे ही पत्रकार सवाल करे प्रधानमंत्री चेहरे पर हाथ रख पत्रकारों की तरफ देखें, सवाल खत्म होते ही अमित शाह की तरफ देखें। तो इससे साफ पता चल रहा था कि कल के इंटरव्यू में, कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था मोदी का, वो किस तरह से घबराए हुए थे, वो किस तरह से बचते नजर आ रहे थे कि उन्होंने जो जनता के साथ धोखा दिया था, नोटबंदी, GST, इन तमाम चीज़ों को वो नज़रअंदाज करते हुए आ रहे थे और पत्रकारों के जवाबों को बचते हुए नज़र आ रहे थे। आलोक राय ने लिखा है, कलाकारी को नमन। आगे जिया खान ने लिखा है, एक मौन मनमोहन सिंह PM थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते थे, एक बोलने वाला PM मोदी है, PC में सवाल का जवाब ही नहीं देता। इस तरह से कई लोग अपना भड़ास फेसबुक के जरिए पोस्ट लिख कर निकाल रहे हैं कि मोदी ने क्या किया है देश के साथ। उनके 5 साल के कार्यकाल में जनता उनसे जवाब चाहती है और वो जवाब देने से बच रहे हैं। आगे राजीव शंकर मिश्रा ने लिखा है, देश आपकी इस मुद्दिकाई को कभी नहीं भूल सकेगा मोदी जी,
चौधरी रवि कुमार ने भी लिखा है, पिटाई बंगाल में हुई और धरना दिल्ली में दे रहे हो, ममता ने कुत्ता बना के रख दिया है इन नकली शेरों को। आगे फिर से आशीष सिंह यादव लिखते हैं, भले ही मोदी जी कुछ बोले ना हो, भाई इतनी देर कौन चुप बैठो, भाई इतनी देर कौन चुप बैठ सकता है। इस तरह की खामोशी से साफ पता चल रहा है कि मोदी बहुत ही अब जल्द हार मान चुके हैं और वो अपनी हार को लोगों के सामने प्रेस के जरिए बयां छुपाते ही ना छुप रहा था कि वो किस तरह से इस बार सत्ता में नहीं आ रहे हैं। पूजा राय ने लिखा है, मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल का जवाब नहीं दिया, असली पप्पू कौन है। इसे तो साफ पता चल रहा है कि वो हमेशा से राहुल गांधी को पप्पू बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के असली पप्पू हैं, जिन्हें मीडिया के सवालों से बचते हुए देखा जा रहा है। कल उन्होंने साफ भी कर दिया है कि वो किस तरह से बच रहे थे अपने जवाब, अब मीडिया के सवालों से किस तरह से बच रहे थे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रज्ञा ठाकुर को लेकर अंजना ओम कश्यप ने सवाल पूछा तो उन्होंने अमित शाह की तरफ इशारा किया, जो एक आतंकवादी है और एक आतंकवादी ने गांधी जी नेशन ऑफ फादर को मारने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। तो इसे साफ पता चलता है कि बीजेपी में किस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, देश में नफरत को बढ़ावा देते हैं। जनता नफरत नहीं चाहती, जनता देश में विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, किसान अपना कर्ज माफ़ करने की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी हमेशा इन सब चीज़ों से बचते आते हैं और उन्हें इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। वो हमेशा से अपना ही राग अलापते हैं और अपनी ही बातों को आगे करते हुए दिखते हैं। आगे मयंक सक्सेना ने लिखा है, असलियत यही है, चेन स्नेचर के पास जब स्क्रिप्ट ना हो तो सारे सवाल लोकल तमंचा शूटर की ओर उछाल देता है। ये एक तरह से सही भी है कि एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री और एक जाहिल प्रधानमंत्री में बहुत फ़र्क होता है। किस तरह से वो स्क्रिप्ट लेकर के हमेशा इंटरव्यूज़ देते आए हैं और उनके इंटरव्यूज़ भी काफ़ी फ़नी टाइप के होते हैं। कभी कोई उनसे पूछता है कि मोदी जी आप आम किस तरह से खाते हैं, और इसी तरह के कई सवाल होते हैं जो मतलब जो मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उनसे मोदी जी हमेशा बचते हुए आए, चाहे उनका फिक्स इंटरव्यू क्यों ना हो। और कल तो आपने देख ही लिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो किस तरह से बचते हुए आ रहे हैं। और आगे रिमी शर्मा ने लिखा है, मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस को दर्शन है। मित्रों, सवाल मोदी जी का हो रहा है, जवाब अमित शाह भाई दे रहे हैं, वाह मोदी जी वाह। आगे रिचा ने लिखा है, सेनापति कप्तान को कवर दे रहा है, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि आखिरी चुनावी सभा थी, हद कर दी आपने मोदी जी। आगे प्रशांत टंडन लिखते हैं, ये चार तस्वीरें ही एग्जिट पोल आखिरी तस्वीरें सीटों की संख्या भी बता रही है। इस तरह के तमाम लोग फेसबुक पर पोस्ट लिखकर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और मोदी का मजाक भी जमकर बना रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक मजाक कॉन्फ्रेंस बनाया था, जिन्होंने जो इतने टाइम तक चुप बैठे। इन 5 सालों में उन्होंने पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी उन्होंने खामोशी इख्तियार की। आगे नितिन ठाकुर ने लिखा है, मोदी जी इतने ही निर्दय मत बनिए, प्रज्ञा ठाकुर को माफ़ कर दीजिए, भले ही टिकट उनसे छीन लीजिए। प्रज्ञा ठाकुर लगातार इस तरह की बातें करके, इस तरह की विवादित बयान देकर बनी हुई, जब से वो बीजेपी में शामिल हुई है तब से वो इस तरह के विवादित बयान दे करके लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि मोदी जी किस तरह से प्रज्ञा ठाकुर और मोदी जी उनका बीच बचाव कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे जो शहीद हुए थे 26/11 मुंबई वाले हमले में, और उसको उन्होंने देशद्रोह का नाम बता दिया, जबकि बीजेपी में लगातार ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहे हैं और जो देशभक्त होने का ढोंग करते हैं वो लोग जो असलियत में देशभक्त नहीं होते और ढोंग करने का नाटक करते हैं। गांधी जी को मारने वाले नाथूराम गोडसे को उन्होंने देशभक्त बता दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी में बहुत ही खराब मानसिकता के लोग हैं। आगे शीतल पी सिंह ने लिखा है, ये अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मोदी जी भी मौजूद थे, मतलब हद कर दिया है मोदी जी ने कि किस तरह से आपने अपनी जुमलेबाजी को छुपाने के लिए अमित शाह की तरफ इशारा किया है, और इसे साफ पता चलता है कि आपने जनता को किस कदर इन 5 सालों में बेवकूफ़ बनाया है। इससे तो अच्छा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं। और उधर राहुल गांधी ने भी इन पर सवाल उठाया था कि
मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतनी ही प्रेस पत्रकारों को बुलाया गया था जो मोदी जी के जानने वाले थे, और अंदर से गेट लॉक होने की भी खबरें आ रही थी कि पत्रकार के आने के बाद फिर जो बाकी पत्रकार थे उनको घुसने नहीं दिया गया और लोगों के बीच उन जवाब देने से वो बचते रहे हैं। वैसे तो आप लोगों ने देखा ही है कि मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी थी और क्या ही था, इसे तो साफ पता चलता है। तो ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहें और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।